वो कहते हैं कि वो जो तुम्हें समझा रहे हैं कौन, देवसाज गुरु तीनों आ गए ना उसमें, वे तुम्हें उस वो ज्ञान सम्यक है कि मिथ्या, तो उस ज्ञान की प्रमाणिकता उन अरहंत भगवान से है, तुम्हारे ज्ञान से नहीं। तुम बार बार क्यों कहते हो कि वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान के भरोसे हम आत्मा कैसे जानेंगे, वो मिथ्या ज्ञान कहाँ है? ये तो आप मानते हैं ना कि पांच लब्धियां सम्मद असन की प्राप्ति के कारण के रूप में आगम में उल्लिखित हैं, और वे पांच लब्धियां मिथ्यात्व की भूमिका में होती हैं। अब उसे जो हमारी परंपरा बन गई है सोनगढ़ में, सामने वाले तो उसे बिल्कुल उल्टा ही बोलते हैं, उनकी बात अपन नहीं करते हैं, वो ये बन गई कि नहीं नहीं जब तक तो नहीं हुए तो मिथ्या ही ज्ञान है, मिथ्या ही ज्ञान है, मिथ्या ही ज्ञान है, तो कहते उसे गालियां दे दे करके फिर उससे काम करके तुम सम्मेलन प्राप्त करोगे। अब यानी तुम क्या क्या, तुम हमारे चित्त में से उसकी महिमा हमें जागृत करना है कि उसकी महिमा को हटाना है, हम लोगों से वो काम हो रहा है, चाहे जानकारी में हो रहा हो चाहे अज्ञानकारी में हो रहा है, कि जिसके बिना हमारा काम नहीं चलना है, अब उसे ही हम, वो एक समय पहले तक ज्ञान मिथ्या है, ज्ञान मिथ्या, तो कौन कहता है कि वो सम्यक ज्ञान है? ये टोडामल जी ने लिखा कि एक समय पहले भी वो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, लेकिन वो तीन प्रकार के मिथ्या दृष्टियों से चौथे प्रकार के मिथ्या दृष्टि को उनने कोई अलग क्वालिटी में रखा है ना, और उसके बाद जब सम्मेलन तुम्हें हो जाएगा फिर तो कोई उसकी जरूरत ही नहीं है, फिर तो जो तुमने जान लिया अनुभव कर लिया, वास्तव में देशना लब्धि तो अनुभव के लिए होती है, उसके बाद तो देशना की जरूरत ही नहीं रही। चारित्र के लिए देशना की जरूरत नहीं है, घबराना नहीं, पूरी बात समझना, क्योंकि जो चीज हमने उपलब्ध कर ली अब उसी को रिपीट करना है ना, हमने एक क्षण को अनुभव कर लिया अब दो क्षण को करना, तीन क्षण को करना, तो वही प्रैक्टिस, पांच हमने दंड बैठक लगाना सीख लिए, अब 100 तक लगाना है तो उसी की प्रैक्टिस तो करनी है, नया कहाँ सीखना है, जब सीखना नहीं है तो कहाँ गुरु की जरूरत है, होता क्या है बोलिए? जब हमारे विद्या गुरु हमें पढ़ाते हैं तो 5-5, 10-10 साल लग जाते हैं पढ़ाने में, और जब दीक्षा गुरु दीक्षा देते हैं तो 5 मिनट में जाओ हमने लई और तुम्हें और तुमने लई, एक दो हमें तो पता ही नहीं पड़े उन्हें क्या लिया और क्या दिया, तुम देखते हो ना दीक्षा लेते वक्त वो हाथी पे बैठाल के जुलूस निकाल दिया तो वो दिखता है, और माँ बाप को खड़ा कर दिया, कोई बताए नहीं हुए तो बोली बोल के दूसरे ने माँ बाप बना लिए, वो सब दिखता है, लेकिन वो दिया क्या है उनने क्या लिया है कुछ दिखता है? और हमारे साथ में लिखा है कुछ नहीं हो तो भगवान की मूर्ति के सामने अकेले में जा करके और हम ले सकते हैं भगवान से, तो भगवान क्या देने वाले हैं, वहां तो है ही नहीं भगवान, तो भगवान तो सिद्ध सलाम में बैठे हैं, वहां तो मूर्ति है, क्यों है? तो उसमें क्या लेना, कैसा संबंध दर्शन भी है? नहीं लिया जा सकता, संबंध दर्शन में देशना लब्धि चाहिए कि वो तुम दो हमारा कौन सा एक लब्ध, वो होगा वैष्णवों में अपने नहीं है, घबराना नहीं कि मूर्ति के सामने बैठ करके और वो सीख लेगा, ऐसा नहीं है, अपने को देशना लब्धि चाहिए, जिन बिंब के दर्शन निमित्त बताए हैं, लेकिन बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त देशना ही है, और बहिरंग निमित्त की क्या बात करें, बहिरंग निमित्त तो दो डंडे पड़े तो सम्मद दर्शन हो जाए, अब क्या बात करें, कहीं लिखा है शास्त्र में, हाँ नरक में कैसे होता है वेदना का अनुभव, उसी समय से उसको भी निमित्त कहा कि नहीं कहा, कुमार काट से भी हो जाते हैं, कहते ना गुरु जी जैसे चांटा मारते हैं ना तो याद आ जाता है पहाड़ा, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो दो अपने अकल होती है ना, एक बड़ा मस्तिष्क एक छोटा मस्तिष्क, तो ये जो तत्काल काम वर्क करते हैं ना वो छोटा मस्तिष्क करता है,
जैसे आपको यहाँ मच्छर ने काटा तो तत्काल आपका ऐसा हाथ हो जाएगा, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची, छोटे मस्तक से गई, उसने ऑर्डर दिया, यहाँ हाथ चल गया बिना सोचे, बिना बड़ा मस्तक माने सोच के और छोटा मस्तक माने बिना सोचे, एक्शन का रिएक्शन। तो जब यहाँ पड़ता है ना तो छोटा मस्तिष्क काम करता है और फटाफट जवाब हो जाता है, बिना सोचे समझे निकल आता है जवाब। ऐसा यहाँ नहीं निकलेगा देशना लब्धि में, बाकायदे बुद्धि पूर्वक तुम होश में हो और गुरु जी तो होश में है पर तब वो देशना लब्धि होगी, और उसके बिना आज तक किसी को संबंध दर्शन होता नहीं है, क्योंकि जो अधिकम संबंध दर्शन करते हो निसर्गज उसमें अभी पूरा भ्रमों से देशना लब्धि लिखी हुई होगी, ये आता कि नहीं आता। मैंने अभी लिखा है तत्वासूत कर्णशीलन तत्वासूत लिख रहा हूँ मैं, तो उसमें लिखा है कि तन्न सर्गाद अधिगमात्मा में है क्या। देखो उपादान दोनों का एक, तीनों प्रकार के उपादान, दो प्रकार के क्षणिक उपादान, पांचों और दो और अंतरंग निमित्त, तीन प्रकार के उपादान और अंतरंग निमित्त तो एक से ही है दोनों में, सिर्फ बहिरंग निमित्त में इतना फर्क पड़ा है कि एक को 10-20 बरस पहले उपदेश मिला था और एक को तत्काल मिला, अब इसमें क्या फर्क है। जब जैसी दो खड़े कर दिए, एक अभी कहाँ, एक अपने आप हो गया और एक गुरु के उपदेश से हुआ, ऐसा लगता है जैसे दो संबंध संबंध ही दो प्रकार का हो गया, उत्पत्ति की अपेक्षा संबंधन तो एक ही प्रकार का, समझ में आया कि नहीं आया। तीन प्रकार का उपादान तो अपने में ही है और अंतरंग निमित्त कौन, दर्शन हो का छय उपसम उपसम, खासकर उपसम, वो अंतरंग निमित्त भी दोनों में समान है। अब बहिरंग निमित्त में अभी उनने उपदेश दिया और अभी मैं तत्काल के प्रण में होकर के और मेरा काम हो गया तो हमने उसे अधिगमन कह दिया, साफ दिख रहा है ना। जैसे कि उनको वो शेर को वो मुनिराज ने वहाँ उपदेश दिया और वो अंतर्मुख हुआ और हनुमान दर्शन हो गया, और दूसरे को अपने पहले भव की जरूरत नहीं है, पहले भव में भी हो तो चले, उसमें स्मरण आए तो उसे जात स्मरण कहते हैं, सिर्फ क्यों पहले भव के स्मृति से जात स्मरण, कोई जात स्मरण के स्मृति का भेद है। अब मान लीजिए कि मुझे 50 साल पहले गुरु का उपदेश मिला और मेरे ज्ञान में वो प्रणमित होकर के धारणा में चला गया, अब मैं उलझ गया दुनियादारी के चक्कर में, और 50 साल बाद फिर मुझे वो याद आ गई वो गुरु का उपदेश पूरा और मुझे फिर संबंध दर्शन हो गया, तो अभी हम उसको कह देंगे कौन सा निसर्ग है, वो पिछले भव में हुआ, पिछला भव माने कितने भव कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले बोलो हैं, कितने ग्यारह हाँ कम से कम ना 8 बरस तो कम से कम चाहिए ना इस भव में आएगा, तो वो 8 बरस पुरानी स्मृति और ये 50 बरस पुरानी स्मृति बड़ी कौन है ना, जो भव बदल, अरे आत्मा तो नहीं बदला ना, आत्मा तो दोनों में देशना मिली थी ना, अब इस भव वाली हो तो हमें कोई महिमा नहीं आती, पिछला भव तो ज्योतिष्मन क्या है, सिर्फ एक सामान्य स्मृति का भेद है, वो स्मृति पुद्गल को नहीं रहती है, स्मृति आत्मा में रहती है, तो शरीर बदल गया तो क्या फर्क पड़ता उससे, इसे इतना सा अंतर है उन दोनों में। मतलब कहने का मतलब है देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, मैं तो ये सिद्ध कर रहा हूं, और वो अज्ञान अवस्था ही में होगी, यदि तुम सम्यक ज्ञानी हो तो वो देशना काएगी, फिर तो तुम्हारे पास है ही वो, है ना, तो फिर अज्ञान अवस्था में ही वो सारा पुरुषार्थ करना है ना, अब वो पुरुषार्थ वगैरह एकमात्र प्रज्ञा श्रेणी है, बस खत्म, साधन एकमात्र प्रज्ञा श्रेणी है, अब वो प्रज्ञा श्रेणी
कौन सा ज्ञान है, तो पर्याय तो है ही है, तो जो उस वक्त भी पर्याय है वो तो मिथ्या दर्शन रूप है, लेकिन उसमें ही उसमें सत्यपना, सम्यकपना नहीं कहना चाहता मैं, सत्यपना अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि का है, इसलिए उसे मिथ्या कहना उसका अपमान करना है, अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि का अपमान करना है। उस ज्ञान की उसकी प्रमाणिकता का आधार तुम्हारा ज्ञान नहीं है, सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान है। ये तो प्रज्ञा सैनी की बात कही, मेरे कहने का मतलब वो जो ज्ञान है तुम्हारे पास, जो अभी मिथ्या ज्ञान नाम तुम जिसे दे रहे हो, वो उसी के द्वारा सब काम होना है। मैंने गुरुदेव को भी बहुत बारीकी से पढ़ा, तो अभी वो गुरुदेव बार बार ये कहते हैं कि वो ही ज्ञान है, तो अभी मिथ्या दृष्टि का जब अंदर मुख पड़ेगा तो वही प्रज्ञा क्षणी हो जाएगी। हो जाएगी माने क्या, क्योंकि बुद्ध वो हावी है ना, कौन सा कि भाई वो प्रज्ञा क्षणी तो समय ज्ञान ही होता है। तो बुद्ध यदि हम सर्वज्ञता की बात को माने, अब ये ज्ञान सामान्य की मैं भी यही बात है, देखो ज्ञान सामान्य में ये निकालो ये किताब आपको जो जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, पेज नंबर 136। मैंने कहा था श्लोक वार्तिक वालों के पास है सारा जवाब, उक्त संदर्भ में श्लोक तत्वार्थ श्लोक वार्तिकालंकार में समागत जैन न्याय के दिग्गज आचार्य विद्यानंदी का अभिप्राय भी ज्ञातव्य है। ये वर्तमान समय के विद्यानंदी नहीं है, ये 1200 वर्ष पुराने विद्यानंद जी हैं, क्या समझना है ना। तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय के वही तीसरा सूत्र, वही कौन सा तन्न सर्गाद्यधिगमाद्वा के तीसरे चौथे श्लोक में, श्लोक वार्तिक इसलिए नाम है उस पर उन्होंने श्लोकों में अर्थ लिखा, श्लोक के वार्तिक में आचार्य विद्यानंद जी इस बात की चर्चा करते हैं जो इस प्रकार है। कल वीर सागर ने एक बहुत मार्मिक बात आप लोगों से कही थी कि हमें पता ही नहीं है कैसे छंद है क्या है, ये हर छंद को श्लोक बोलते हैं, ये श्लोक सब छंदों में एक छंद है जिसका दूसरा नाम है अनुष्टुप, और जिसकी परिभाषा है श्लोके षष्टम गुरुगेयम् सर्वत्र लघु पंचमम, जिसमें छठवां अक्षर गुरु और पांचवां अक्षर लघु हो उसे श्लोक कहते हैं। सबसे सरल हिंदी का दोहा और संस्कृत का श्लोक, जैसे कुछ लोग हर छंद को दोहा ही कह दें, क्या इस बात सही नहीं है ना, तुम्हें समझ में आता है ना। तो हर छंद को श्लोक कहना अमंदा क्रांता है, अब बोले साहब श्लोक 25वां श्लोक में फलाने श्लोक में समय सारे बोलते जा रहे फल कौन सा श्लोक है, तो श्लोक तो एक छंद का नाम है, हम सब छंदों को श्लोक नाम से कहते हैं, इतना सा ध्यान रखना है। बाकी तो अक्षर उसमें 32 अक्षर होते हैं, तो 32 अक्षर गिने जाते हैं ना, इतने श्लोक प्रमाण भले ही मंदा क्रांता में लिखा हो लेकिन वो 32 अक्षरों से नापे जाते हैं वो ग्रंथ। लेकिन श्लोक वार्तक में सचमुच श्लोक ही नाम का छंद का प्रयोग किया है। इसका जो श्लोक वार्तक का श्लोक है वो श्लोक नाम का छंद है, दूसरे छंद ही नहीं है। तो श्लोक की वजह से उनके मन में वार्तिक श्लोक में लिखे। अब उन पे जो उन्होंने गद्य लिखा है नीचे वो है भाष्य, तो भाष्य में ये बात लिखी है, देखो अपन पढ़ रहे जो सम्यक सत्य ज्ञानात पूर्वम तद विषय ज्ञानम न मिथ्या सत्य सत्य ज्ञान जनन योग्यत्वात् नापि सत्यम, देखो पदार्थ
यथात्म परिच्छेद भावात किमतर ही सत्येतर ज्ञान विवक्तम ज्ञान सामान्यम। सत्य ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान होने के पहले सम्यक ज्ञान के गे माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के विषय में जो ज्ञान था, कहने के पहले सम्यक ज्ञान के पहले है ना, वह मिथ्या तो नहीं था। यह कह रहे कितना क्लियर लिखा, ये प्रमाण चाहिए, नहीं था कि नहीं था, कैसे नहीं था, वो तो था लगा, क्योंकि सत्य ज्ञान को उत्पन्न करने की योग्यता उसमें थी। इन विद्यानंद जी ने तो वो सर्वज्ञ भगवान को भी बगल में रख दिया कि उनके ज्ञान की वजह से वो सत्य ज्ञान है। कहते इसमें सत्य ज्ञान को प्रकट करने की योग्यता है, इसलिए ये सत्य है। क्या माने उसे हम असत्य तो नहीं कह रहे, क्या कह रहे, सत्य तो नहीं कह रहे, फिर अपन को बहुत सावधानी से बोलना पड़ेगा। वो कहते वो ज्ञान असत्य है क्या, कि असत्य तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसे सत्य ज्ञान करने की योग्यता उस ज्ञान में है। वो जो पांच लब्धि वाला ज्ञान है, जो 600 लब्धि से शुरू होता है और 109 लब्धि से होता हुआ, क्यों तो उसको हम असत्य तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसमें सत्य ज्ञान को प्रकट करने की क्षमता है। आप देखो तो किमतर ही नहीं, क्या ना भी असत्यम ना भी सत्यम, ना सत्य कह सकते हैं, ना तो हम असत्य कह सकते हैं और ना हम ना मिथ्या और ना सत्यम। लिखा शांति जी, क्यों, क्योंकि सत्य ज्ञान को उत्पन्न करने की योग्यता उसमें थी। उसे सत्य ज्ञान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें पदार्थों को मैं त्रिकाली आत्मा को अन्य पदार्थों को यथार्थ रूप से जानने का अभाव है, इसलिए ना वो सत्य है ना सत्य है। अब आप जो है मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उसको मिथ्या मिथ्या कह करके ये जिनवाणी के इस वाक्यों का हम अपमान कर रहे हैं कि सत्य कैसे कह दें कि मत कहो ना, लेकिन ये स्थिति है ना, कोई कहे कछु है नहीं, कोई कहे कछु है, और है और ना के बीच में जो कछु है सो है। क्या क्या भी बात करते हो, या तो ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा या मिथ्या ज्ञान होगा। तो उन्हें जबरदस्ती ऐसे बीच का ये खड़ा कर दिया, उसमें जबरदस्त कारण है। अब ये प्रज्ञा श्रेणी के संदर्भ में तो ये बात ख्याल में आ गई ना, अब वो सामान्य ज्ञान क्या है। देखो अभी मैं आपको बताता हूं कि जीव का लक्षण क्या है, क्या उपयोग, उपयोग माने ज्ञान दर्शन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ज्ञान दर्शन शब्द का प्रयोग द्रव्य के अर्थ में भी होता है और गुण के अर्थ में भी होता है और पर्याय के अर्थ में भी होता है, तो ये क्या है, द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है। अब मैं आपको सहयोग करता हूं निर्णय करने के लिए क्या लक्षण है। 8 चतुर्णान दंशन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, लिखा क्या नहीं, क्या अर्थ है इसका, कि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन सामान्य से जीव का लक्षण है। सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, अभी सामान्य क्या है, अब तुम्हारे भी सामान्य का आदुर्भाव विशेष का प्रादुर्भाव समय सार में पड़ा है ना, और वहाँ त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो सामान्य और ज्ञान गुण वो सामान्य और पर्याय विशेष, बोलते हैं ना दृष्टि में सामान्य का आविर्भाव हो, माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वो हमारी दृष्टि में आवे, तो उसका नाम दृष्टि में सामान्य का आविर्भाव है।
है ना। अब यहाँ क्या लेना बोलिए, तो वो सामान्य जीव का लक्षण है तो वो कौन सा सामान्य है? सामान्य तो द्रव्य को बोलते हैं, गुण को बोलते हैं, और पर्याय को तो विशेष बोलते हैं, और गुण को भी विशेष बोलते हैं, क्यों? भेद की अपेक्षा। इसलिए भूतों के माथे पे से बिल्कुल ऊपर से साफ ही जा रहा होगा ना, क्या तेरी समझ में आता संजय? अब वो जो सामान्य है वो कौन सा सामान्य है, गुण वाला क्या द्रव्य वाला? क्योंकि गुण द्रव्य वाला सामान्य नहीं है। अब एक तीसरा सामान्य और है जो जीव का लक्षण है, होगा हमें क्या कैसे नहीं करना, बंध से भिन्न तो लक्षण के माध्यम से जानना है। आत्मा को बंध से भिन्न जानना है तो कैसे जानो, देखो गाथा देखो, जीवो बंधो यतः छिद्यन्ति सलक्षणेहिणीये एहिं पन्ना छेदनेन आत्मावन्ना जीवे एव। अब ये प्रज्ञा से नहीं जानना, और एक जीव को बंध के लक्षण जानना, तो जीव का जो लक्षण है ना वो क्या है, देखा ना, सामान्यम जीव लक्षणम भणियम, तो वो सामान्य कौन है? द्रव्य गुण, द्रव्य के गुण के पर्याय, माने पर्याय को लक्षण बना रहे, गुण को लक्षण नहीं बना रहे। आत्मा तो द्रव्य है, तो द्रव्य को तो बनाएंगे ही नहीं, द्रव्य तो लक्ष्य है, और गुण लक्षण है ऐसा नहीं है, क्योंकि गुण जिंदा गुण नहीं है। जिंदा गुण पर्याय से परिणमित को जिंदा बोलते हैं। क्या 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 समझ में आया? तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ, कि वैसे तो श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही उनके यहाँ ब्रह्म के अवतार हैं, तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं है। फिर तुलसीदास कहते हैं कि मैं तुम बहुत ही शोभायमान अच्छे लगते हो, मुरली बजाते हो जब, और त्रिभंगी लाल तीन टेढ़े तुम में पड़ी हैं, और पीला वस्त्र पहने हो, तब मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो, भले विराज अरे त्रिभंगी लाल, है ना। लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे जब धनुष बाण लेऊ हाथ, मेरा धनुष बाण तुम्हारे हाथ में नहीं होगा तो मैं तुम्हें नमस्कार नहीं करूंगा। अरे वे ब्रह्म के अवतार है ना, होंगे माने वो पर्टिकुलर पर्याय से परिणमित त्रिकाली ध्रुव चाहिए उनको, राम राम वाली पर्याय से परिणमित उन्हें वो शुद्ध ब्रह्म चाहिए। असमें पर्याय की मुख्यता आ गई ना, तो अब वो इसकी भी थोड़ी गहराई में जाए, दो मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगाऊंगा। तुलसीदास जी जिस जमाने में हुए हैं, उस जमाने में मुसलमानों ने खूब पिटाई कर करके सारी मूर्तियां तोड़ तोड़ के और हमको बहुत पस्त कर दिया था, समझे ना, और कुछ कोई को कुछ रास्ता नहीं दिखता था। सारे जो छत्री हैं ना जिनके गीत गाते थे वीर गाथा काल में हमारे कवि लोग, अब मैं खराब शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल निर्वीर हो गए थे, उनमें कोई ताकत नहीं रही थी कि वो उनसे लोहा लेकर के और देश को बचाएं। तो एकमात्र भगवान शरण था, लेकिन बचाना क्या था, देश। इसलिए कहते हैं कि मुरली बजाने वाले भगवान मेरे क्या काम के, ये तो मनोरंजन करेंगे किसी सभा में बैठ के, ये तो रसिया हैं, ये रसिया भगवान मुझे नहीं चाहिए,
वो धनुष बाण ले वाले भगवान चाहिए मुझे हाथ में, जो हमारे दुष्टों का दलन करके उन्हें मार मार के भगाएं, तो जिससे थोड़ी सी ऐसे राम को हम खड़ा करें तो लोगों का मनोबल खड़ा हो, द्वारा जो एकदम डाउन हो गया था। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हारी मुंडी हो जाती की दशा हमें नहीं चाहिए, तुम आ जाओ बस धनुष बाण लेकर के, क्योंकि रीति काल शुरू हो गया था और भविष्य कवि राज दरबारों की कवि बन गए थे और श्रृंगार रस की कविताएं सुना सुना करके राजाओं को, है ना। और वो कहते थे कि यदि रीज है तो कविताई नहीं, राधा कृष्ण सुमरन को बहानो है। रीज गए थे कविता नहीं, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण के नाम पर श्रृंगार की कविताएं लिखते थे बस वे, तो मुरली बजा रहे, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, मैं नहीं चाहिए, मुझे मुरली बजाने वाले नहीं चाहिए। इसी को दिनकर ने कविता में बांधा, तू भेज ना युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तू फिर हमें गांडीव गधा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। क्या कह रहे, हिमालय के प्रति एक कविता है उनकी, किनकी, रामधारी सिंह दिनकर की, हिमालय से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हिमालय पर वो अर्जुन और भीम सब चले गए थे, युधिष्ठिर हिमालय में दीक्षा लेके गए थे, ऐसा उनके यहाँ मानते हैं, अपने यहाँ तो वहाँ गए थे शत्रुंजय के पास पांडव लोग, यहाँ तो हिमालय पर गए थे। तो वो कहते हैं कि हे हिमालय पर्वत, तूने हमारे भीम को ले लिया, अर्जुन को ले लिया, युधिष्ठिर को ले लिया, सब तेरे शरण में चले गए, अब हम क्या करें। अब हमारी तरह से एक प्रार्थना है कि तू युधिष्ठिर को तो अपने पास रख ले और स्वर्ग भेज दे, तू भेज ना युधिष्ठिर को यहां, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, वो बहुत स्वर्ग चाहिए ना उन्हें, भेज दे स्वर्ग भेज दे, ये धर्म का उपदेश देने वाले हमें नहीं चाहिए, तू तो हमको गांडीव और गदा और अर्जुन और भीम लौटा दे, क्योंकि हमें तो लड़ाई, हथियारों की लड़ाई की जरूरत है और लड़ने वालों की चाहिए, नहीं लड़ने वालों को नहीं चाहिए हमें, ये लड़ने वाले भीम, गदा से लड़ने वाले और तीर से लड़ने वाले अर्जुन, क्या तू भेज ना युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, तू फिर हमें गांडीव गधा लौटा दे अर्जुन भीम वीर। वही वो तुलसीदास जी कह रहे कि धनुष बाण लेके आओ, नहीं तो नहीं चले मेरे काम, मेरे काम के नहीं है मुरली मुरली बजाने वाले, क्योंकि रीतिकाल शुरू हो गया था और सब पस्त होकर वे बेबी बिलासी हो गए थे, राजा लोग भी और उनके दरबारों में कभी भी उनकी बिलासता की पूर्ति करने वाली कविताएं गाने लग गए थे, तो उसके विरुद्ध वो क्रांति है। तो वो कहते जैसे मुझे वो धनुष बाण वाला राम चाहिए ना, अकेला राम नहीं चाहिए त्रिकाली ध्रुव। तो वो ये कहते कौन सी पर्याय से पढ़ने में, क्योंकि सामान्य उस पर्याय वाला है, तो वो कहते हैं कौन से सामान्य चाहिए, क्या वो द्रव्य वाला सामान्य नहीं चाहिए, गुण वाला सामान्य नहीं चाहिए, वो तो द्रव्य ही गुण होते हैं सामान्य, तो पर्याय तो कभी सामान्य होती नहीं, वो तो विशेष ही होती है। अभी तो कहते हैं कहीं कहीं होती है भाई साहब।